आए हुए हैं यहाँ छत पर, हमारे एक भाई है पास के, उनका जनौ का कार्यक्रम है तो यहीं पर आए हुए हैं। बाल्टी में तुम पैक हो गया, बैठ भी रहा है अंदर। कोशिश कर रहा है। दीदी को नाराज नहीं देख सकते थे, दीदी को कॉल किया तो दीदी रोने लगी कि। तो हम लोग जी हो गए तैयार, सारी पैकिंग भी हो चुकी है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। मेरा बहन बेटा है जिसका बांस काटने जा रहा है, लेकिन उसको कमर दर्द से अस्वस्थ है। मेरी बहन मुझे बुलाने आई है कमर दर्द से अस्वस्थ रहने के कारण, अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। अपने बहन बेटा को आशीर्वाद देते हैं, भगवान उसको उदय करे, हमेशा चिरंजीवी रहे, आयुष्मान। आज ही जाता है क्या? अभी जा रहा है, फर्स्ट भीड़ हो रहा है बस पट्टी का। अच्छा अच्छा। तो जी कल हम लोग जाने वाले हैं नैन्सी दीदी की यहाँ, और कल हम लोगों का ट्रेन जो है वो है सुबह 11 बजे। आज जो है बज चुके हैं दोपहर के 12:30। मेरे हाथ में है रियल जूस, यह जूस जो है क्रियांश के बर्थडे पार्टी का ही है, बहुत सारे जूस बचे हुए हैं तो फ्रिज में रखा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग अपना खत्म करते हैं। फिलहाल चलते हैं ऊपर, चल करके जितनी भी पैकिंग होती है सारी पैकिंग जा करके करते हैं, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हुई है। और जिया फिलहाल दूध लेकर के जा रही है अपना क्रियांश का, और बोतल कहाँ है? ऊपर ही है क्या? ठीक है तो चलो ऊपर चलते हैं। तो क्रियांश चला गया बगल में, बिट्टू दिए उन लोग के पास, उसके बाद मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। क्रियांश था तो बिल्कुल भी पैकिंग नहीं कर सकते थे, और जैसे मैं आई तो उठ के तैयार हो गया, तो चलते हैं करते हैं। क्रियांश वहाँ पे देख सकते हैं घूम रहा है। क्रियांश हेलो क्रियांश, हाय हाय। और यहाँ पे हमारे वीडियोग्राफर वाले भैया आ चुके हैं, जिन्होंने 2-3 बार कॉल किया, हमने नहीं उठाया जान के। हमको लगा जब फ्री होंगे थी बात कर लेंगे। Two hours later. दोपहर के बज रहे 2:30 और क्रियांश से सो करके उठ गया है। ये देखिए गुस्सा। और क्रियांश बाल्टी में पैक हो गया। क्रियांश बाल्टी में तुम पैक हो गया, बैठ भी रहा है अंदर। कोशिश कर रहा है, और ये इसका पेंट नहीं करना चाहिए, नीचे उठा के ऐसे से उठा के तब बैठ रहा है। वाह 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 वाह। जब हम इसको पानी भर के नहाते थे उसमें भी बैठता था ये। क्रियांश जो मिल जाता है क्रियांश को वही मुंह में ले लेते। क्रियांश की ट्रेन हमारे पास आ गई है, टक्कर मत देना, टक्कर मत देना क्रियांश। और ये जो है उधर चली गई क्रियांश की ट्रेन। क्रियांश आपकी ट्रेन तो भाग गई, पकलो पकलो पकलो। क्रियांश ने अपनी रेलगाड़ी के साथ खेल लिया, नीचे भाग गया था पकड़ के, तब इसको लेके आ रहे हैं। आए हुए हैं यहाँ छत पर, हमारे एक भाई है पास के, उनका जनौ का कार्यक्रम है तो यहीं पर आए हुए हैं। और ठीक सामने में है क्रियांश, ये देखिए क्रियांश तो वहाँ से रो रहा है, पापा को देख लिया वो। हाय क्रियांश, रो रहा है वो। One hour later. तो अभी हम आए हुए थे छत पे वीडियो शूट करने के लिए, जो कि हमारा हो गया। अब चलते हैं नीचे पैकिंग करने के लिए। पैकिंग करने के लिए हमने कई बार कोशिश की, नहीं तो क्रियांश आ जाता था बीच में, उसके बाद नहीं हो पाता था। क्रियांश को भी पकड़ना जरूरी था, क्रियांश आज ज्यादा देर सोया भी नहीं, और दीदी है यहाँ पे। तो अब चलते हैं दीदी के साथ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जल्दी जल्दी पैकिंग हो जाएगा, फिर चलना है हमको मार्केट भी, तो जल्दी से चलते हैं। दीदी हमारा कुछ कपड़ा लेके आई, क्या क्या लेके आई है दीदी? जो आपके सूट है ये वाला, तो ये मम्मी दी है, पहन के जाइएगा अच्छा वहाँ पहनेंगे। बहुत सुंदर है ना, स्ट्रेट पैंट है ना, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये देख सकते कितना प्यारा कलर है, ये भी बहुत जल्दी इंस्टाग्राम के पेज से हमने लिया ये, और ये मम्मी दी थी बुआ के बर्थडे में आई थी तो दी थी, बहुत सुंदर, वो भी कलर मतलब बहुत ज्यादा। तो अब जल्दी से हम रूम को ठीक करेंगे, उसके बाद करेंगे हम पैकिंग, तब कोई काम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्रियांश को तब से लेके बैठे, अभी स्नान किए हैं। बात पता है ना, बच्चे वाले घर में थोड़ा सा हो जाता है, सारा चीज एक बराबर नहीं हो पाता, थोड़ा सा काम करो, उधर जाओ उधर जाओ उधर। लेकिन आपको मेरा पूरा घर दिखाई दे रहा है, कुछ देर में पूरा एकदम अरेंज हो जाएगा, सफाई नहीं दी है बस इस वजह से। क्रियांश अपने खिलौने से खेल रहा है। क्रियांश ओए ए गाड़ी चल रही है उधर, पकड़ो 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 पकड़ो। तो यहाँ क्रियांश और दीदी मिलकर पैकिंग करे। क्रियांश पैकिंग हो गया आपका? चलो बोलो, हाँ हो गया, बाय बाय करो बाय करो बाय करो। Woo! 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 Woo!
लगभग यहाँ पैकिंग हो चुका है, कपड़ा वपड़ा धो दिए, एक्स्ट्रा जो सामान है वो बाद में रखने हैं, क्रियांश अभी रखने नहीं दे रहा है कुछ भी। चलो चलो बाद में पानी पीते हैं, ओके बाय बाय क्रियांश, बाय करो बाय करो, पहले यहाँ बाय करो बाय करो बाय करो बाय 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 करो, यहाँ बाय 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 करो। 3 आवर्स लेटर हमारे बात का वैल्यू दे दीजिए बेटा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, कल बुआ से मिलने जाने वाले हो, जाने वाले ऐसे को रिप्लाई करता है, भैया से भी मिलोगे ना, हाँ दे दे भैया से मिलोगे ना, मम्मा से नहीं करोगे ना, नहीं नहीं ना करोगे, करोगे तो नहीं ले जाएंगे, ऐसे कोई करता है, मम्मा से नहीं करोगे ना। पहले जब हम लोग नानी घर जाते थे तो मम्मी सबसे पहले ये पूछती थी, बदमाशी नहीं ना करोगी, ये तो नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते मेरे फेस पे ना पता नहीं क्या इन्फेक्शन कर गया है, होंठ भी फूल गया, इधर लाल लाल सा हो गया। तो हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग के 11 बजे जो कि हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि पतिदेव को लग रहा था कि क्रियांश उस पर नहीं जा पाए, बहुत ट्रेन लेट थी, दूसरा बहुत लेट से पहुंचा था, तो इन्होंने रात में ही कैंसिल कर दिया, तो हम लोग उस वजह से अब सोचे कि अब कैसे जाएं कैसे जाएं। फिर सुबह उठे, इन्होंने सोचा कि तत्काल में टिकट ट्राई करते हैं, तो तत्काल में राजधानी में अगर मिलता तो हम लोग टाइम पे पहुंच पाते, नहीं तो फिर 29 को ही है गृह प्रवेश, तो फिर हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते अगर किसी और भी ट्रेन में मिल जाती तो। फिर हम लोगों ने सोचा चलो फ्लाइट ले लेते हैं, फ्लाइट से चले जाएंगे। फ्लाइट में क्या हुआ, फ्लाइट तो मिल जाएगी लेकिन यहाँ से पटना जाने के लिए हमें ट्रेन नहीं मिलती, उसकी दिक्कत थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा अब कैसे जाए यार, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो दीदी गुस्सा हो जाएगी, और अच्छा भी नहीं लगता ना, दीदी को बहुत अच्छा लगता कि हम लोग जाते हैं, वो कॉल करके कह रही है कि तुम लोग कैसे भी आ जाते ट्रेन से, ट्रेन क्यों कैंसिल किया, अपना दीदी को नाराज नहीं देख सकते थे। दीदी को कॉल किया तो दीदी रोने लगी कि आना तो पड़ेगा आप कैसे भी तुम लोग आओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब गाड़ी से चलते हैं, तो फिर इन्होंने गाड़ी को धुलवाने जब ले गए तो देखते हैं टायर पंचर की मतलब कट गया है टायर, गाड़ी को क्या करे, गाड़ी से भी नहीं जा सकते। फिर इन्होंने क्या किया कि टायर जाके चेंज करवाया, और अभी 3 बज रहे हैं और अभी ये आए हैं, अभी स्नान करने गए हैं, स्नान करके जैसे ही आएंगे फिर क्रियांश सोया है, फिर हम लोग निकलेंगे। और हमारे फेस पे देख सकते हैं इतना जलन हो रहा है ना, इचिंग भी हो रही है, ये होंठ फूल गया पता नहीं किस वजह से। खैर जो भी हो जाना तो पड़ेगा, दीदी भी हमारे हर चीज में आती है, जैसे हमारे फंक्शन में कोई नहीं आता है तो हमें बुरा लगता है ना कि हमारे फंक्शन में ये नहीं आ पाए, किसी वजह से भी नहीं आ पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे ही किसी और के फंक्शन में वो भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि सब आएंगे और मैं नहीं जाऊंगी, तो उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तो कैसे भी करके जाना तो है ही मुझे, तो देखते हैं कब तक निकलते हैं, मैं आप लोगों से अपडेट दूंगी कि कितने जल्दी हम लोग निकलते हैं। अभी तो ये नहाने गए हैं, खाना खाएंगे, सामान तो मैंने सारा कुछ पैक करके रख लिया है, क्रियांश सो रहा है, पैक तो था ही, कुछ कुछ चीजें थी जो मॉर्निंग में हम लोगों को रखनी थी, ट्रेन कैंसिल होने के कारण पूरा मूड खराब हो गया था, और सुबह से हमने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, बस ये था कि कैसे भी चले जाए। तो अभी क्रियांश भी ऐसे ही सोया, उसको भी रेडी करेंगे, पति देव आएंगे, फिर हम लोग फटाक से निकलेंगे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं दिल्ली। अपना सारा सामान रख लिया है जो भी छूटे पड़े थे, इसमें पति देव के बहुत सारे कपड़े हैं, और मम्मी का आ रहा है कॉल, तो अभी मम्मी का कॉल आया था, पूछ रही थी कब निकलने वाले हो, और इधर पति देव हो रहे हैं रेडी, जल्दी सो जाइए आप, रेडी हो गए रेडी, अब क्रियांश को भी करना पड़ेगा रेडी, जल्दी करो। तो हम लोग जी हो गए तैयार, सारी पैकिंग भी हो चुकी है, और बाहर देख रहे मौसम भी थोड़ा खराब होने वाला है, इससे पहले कि बारिश में हम लोग फंस जाए इससे जल्दी हम लोग निकल जाते हैं। और क्रियांश अभी फिलहाल सोया हुआ है, अच्छा है कि सोया हुआ है, सोया हुआ था तो सारी पैकिंग हो गई, फिर क्रियांश सब सीधा जाएगा गाड़ी में, फिर वहाँ जगह तो कोई बात नहीं, वहाँ खेलेगा।